उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन को बदलने, उसे विकास, विश्वास और सुशासन में बदलने में हमें सफलता प्राप्त हो पाई, क्योंकि हम सबके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हम सबका संबल बनी रही, जिसके परिणाम स्वरूप हम सब ने देश के सबसे बड़े राज्य में लुढ़की हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने, पटरी से उतर चुके विकास कार्यों को पुनः द्रुत गति से आगे बढ़ाने, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर आम जन का जो विश्वास पूरी तरह समाप्त हो रहा था उसे बहाल करते हुए इसे सुशासन के घोषित लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के रूप में आज के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का, प्रदेश संगठन के साथ ही मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों का जो सहयोग हमारे साथ में रहा है, उसके परिणाम स्वरूप हमें 3 वर्ष के दौरान इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं इन 3 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूं तो हर व्यक्ति जानता है कि जो प्रदेश के सामने चुनौतियां थीं, इन चुनौतियों ने ही हमें जूझने की प्रेरणा दी, उसे अवसर में बदलने का एक अवसर दिया और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दिया। हर एक कार्यक्रम जो देश के अंदर एक अन्य क्षेत्रों में एक सामान्य कार्यक्रम बनकर के रह जाते थे, आज उत्तर प्रदेश ने जब भी उनमें हाथ डाला तो वह अपने कुछ नए तरीके से देश के सामने प्रस्तुत होता हुआ दिखाई दिया। याद करिए 2019 के प्रारंभ में ही पहला आयोजन प्रयागराज कुंभ का था, 24 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सहभागिता बना करके स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का जो एक मानक प्रस्तुत किया, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बन गया। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, जिस आयोजन को पहली बार राष्ट्रीय राजधानी या किसी राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित किया गया था, यह अपने आप में एक नया मानक तैयार करता दिखाई दिया। लोकसभा का सामान्य निर्वाचन 163,000 बूथों पर बिना किसी हिंसा के सकुशल संपन्न होना और इसके उपरांत कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला
जो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होती भी दिखाई दी, चाहे वह 2018 में हम लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 68 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का रहा हो, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना को प्रारंभ करने का रहा हो, या फिर यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश और रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, प्रदेश के अंदर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 21 फोकस सेक्टर्स की पॉलिसी को बनाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, प्रदेश के हर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, या फिर प्रदेश के एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास हों, कहां हमारे 2 से 3 एयरपोर्ट बामुश्किल फंक्शन में थे, आज 7 एयरपोर्ट हैं, प्रदेश में 11 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, उत्तर प्रदेश के ही जेवर एयरपोर्ट को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में शामिल करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त होना, ये अपने आप में इस बात को देता है, इस बात का प्रमाण है कि परसेप्शन बदला है, हमने जनविश्वास की बहाली की है, प्रदेश को विकास और विश्वास के एक नए दौर में लेकर के जाने में सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है, और इस सफलता का परिणाम हमने एक एक करके हर एक क्षेत्र में जो सफलताएं अर्जित की हैं, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चलते हुए 40% से अधिक अपना कार्य पूरा कर चुकी है, और इस वर्ष के अंत तक हम यातायात के लिए उसे खोलने जा रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है, अगले वर्ष के अंत तक हम उस एक्सप्रेसवे को भी जनता के लिए खोलेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए, ये तीनों एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने जा रही हैं। 2017 में प्रदेश में एक भी शहर मेट्रो के साथ नहीं जुड़ा था, आज हमारी 4 सिटी मेट्रो के साथ जुड़ी है, कानपुर और आगरा मेट्रो का कार्य प्रारंभ हो चुका है, शेष अन्य शहरों में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हमने तेजी के साथ कार्य बना बढ़ाया है, रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ, ये अपने आप में कुछ नए प्रतिमान, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विद्युतीकरण की स्थिति, प्रदेश में पहले 4 से 5 जनपदों में मुश्किल विद्युत की आपूर्ति हो पाती थी, आज हमारी सरकार सभी 75 जनपदों में विद्युत की आपूर्ति बिना भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, सौभाग्य योजना में 1,24,00,000 से अधिक परिवारों को विद्युतीकरण की योजना का लाभ हम लोग दे रहे हैं, निःशुल्क कनेक्शन हम लोगों ने उपलब्ध कराए, और यही नहीं 1,24,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क विद्युतीकरण की योजना का लाभ देने के साथ ही हम लोगों ने इतने लोगों तक निःशुल्क विद्युतीकरण का लाभ देने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि कहीं भी जब विद्युतीकरण का यह कार्य संपन्न होगा तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, यानी जब विद्युतीकरण आप करेंगे तभी विद्युत कनेक्शन दे पाएंगे, इसका मतलब इतने गांवों तक 1,67,000 गांवों तक हमने विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया, इस दौरान हम लोगों ने सब स्टेशन बनाए,
फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। ये वे कार्य थे जो प्रदेश सरकार के सामने चैलेंज के रूप में थे। प्रदेश के अंदर 30 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सभी योजनाएं थी जिनके माध्यम से हर व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ और प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी उन योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य 2,61,00,000 परिवारों तक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराना, स्वच्छ भारत मिशन, सचमुच इसने न केवल नारी गरिमा की रक्षा की है, अभी तो प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उन्हें स्वच्छता और स्वस्थ होने की एक नई प्रेरणा उनके मन में जागृत करने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर चाहे वह बुनियादी सुविधाओं से आच्छादन का कार्य रहा हो, चाहे वह आयुष्मान भारत में प्रत्येक नागरिक को 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का रहा हो, या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बचे हुए लोगों को भी इस योजना का लाभ देने की कार्रवाई का हिस्सा बना रहा हो। प्रदेश के अंदर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस की सुविधा को हर जनपद में पहुंचाने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला तैयार करने का रहा हो। अगर हम तुलना ही करें 1947 से 2016 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे, और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 3 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है, जिनमें 7 में विगत वर्ष हम लोगों ने प्रवेश कराए, 8 में इस नए सत्र में हम प्रवेश की प्रक्रिया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, और शेष 14 नए मेडिकल कॉलेजेज हम लोग प्रदेश के अंदर इस सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। 2 एम्स जिनमें विगत सत्र में ही हम लोगों ने प्रवेश प्रारंभ कर दिए हैं, ओपीडी उनकी प्रारंभ हो चुकी है, कैंसर संस्थान या फिर जिला चिकित्सालयों के उन्नयन की कार्रवाई हो, या फिर प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई, मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से सस्ती दवा प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की कार्रवाई हो, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन, उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है, और यूनियन बजट में पूरे देश के अंदर हर राज्य सरकार के लिए इस बात का आह्वान होता है कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को पूरे देश के अंदर हर राज्य को अपने अपने जनपदों में लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की, चाहे वह केंद्र से जुड़ी हुई योजनाओं का रहा हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। यानी देश के अंदर जिन क्षेत्रों में पहले उत्तर प्रदेश की गिनती कहीं नहीं होती थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में टीम वर्क का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर देश के अंदर दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए जो कार्य प्रारंभ होने थे, फसल बीमा योजना से जो कार्य हम लोगों ने फसल ऋण मोचन से जो कार्य योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी, आज आप देखेंगे 1,87,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ देने में, यानी
36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ हुआ, तो अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में जा चुकी है। प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजनाओं को वर्षों से लंबित, लगभग 48 वर्षों से लंबित बाण सागर की परियोजना हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, मध्य गंगा राष्ट्रीय परियोजना हो, अर्जुन सहायक परियोजना हो, ऐसी लगभग 1.5 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं दशकों से लंबित पड़ी हुई थी। आज हमारी सरकार या तो इन परियोजनाओं को पूरी कर चुकी है या अगले वित्तीय वर्ष तक इन्हें पूरा करने जा रही है, जो प्रदेश के अंदर लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी, यानी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिल सके, पहले किसी भी योजना में किसान को लाभ नहीं मिल पाता था, सरकारें समर्थन मूल्य घोषित करती थी लेकिन प्रोक्यूरमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती थी, लेकिन आज हमारी सरकार भरपूर मात्रा में लाखों टन खाद्यान्न किसानों से खरीदती है, समर्थन मूल्य से अधिक दाम उन्हें देने का कार्य कर रही है। हम लोगों ने भंडारण की क्षमता भी प्रदेश में इस दौरान विकसित की है, और यही नहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी सुधारने का कार्य किया। पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, हम लोगों ने एक ओर से जांच कराई और प्रयास किया कि हर एक गरीब के पास वह खाद्यान्न पहुंचना ही चाहिए। पॉस मशीनें 80,000 से अधिक राशन की दुकानों में लगाया, और ईपॉस मशीन के माध्यम से आज हर एक उपभोक्ता को ये भी सुविधा दी कि वह चाहे, अगर उसको ये कोटेदार से परेशानी है तो वह चाहे तो बी के यहां से जाकर के अपना खाद्यान्न ले सकता है। अंत्योदय की श्रेणी में जो परिवार निराश्रित थे, जो दुकान तक जाने में अक्षम थे, ये व्यवस्था की गई कि सरकारी कर्मी वहां तक राशन पहुंचाने का कार्य करेगा, उन गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। आज कुशलता पूर्वक 14 करोड़ यूनिट ऐसे लोगों तक हम लोग अपना खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। यह प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए वे प्रयास हैं, जिन प्रयासों का परिणाम आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे याद है जब हम लोग आज अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, हमने शुरुआत की थी किसानों की योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, प्रदेश के प्रसेप्शन को बदलने के लिए, प्रदेश के अंदर कानून का राज हो इसके बारे में एक स्पष्ट संदेश देने के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि शासन का जो एक सूत्र होना चाहिए कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उस भाव के साथ जो कार्य प्रदेश के अंदर बढ़ा है, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई, मैं कह सकता हूं आज जब 3 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा होने जा रहा है, एक भी दंगा पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के परिणाम की स्थिति है कि व्यापक पैमाने पर प्रदेश के अंदर, चाहे वह डकैती के मामले में लगभग 60% की कमी आई है, लूट के मामले में 47% की कमी आई है, हत्या के मामले में 21% कम हुए हैं, बलवा के मामले 27% कम हुए हैं, रोड होल्डअप के मामले 100% कम हुए हैं, फिरौती के मामले 37.74% कम हुए हैं, और इसी प्रकार से बलात्कार के मामले भी 18% कम हुए हैं। यानी ये चीजें इस रूप में सामने आई हैं। इस दौरान हम लोगों ने पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ किए हैं।
जहां पर पुलिस की बुनियादी सुविधाओं की बात हो या पुलिस की भर्ती की बात हो, 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस के कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। प्रदेश के अंदर पुलिस की बुनियादी सुविधाओं के लिए जहां पुलिस लाइन नहीं थी वहां पे पुलिस लाइन की स्थापना, जहां पे थाने के भवन नहीं थे थाने के भवन, जहां पे फायर टेंडर नहीं थे वहां फायर टेंडर की स्थापना करने, पुलिस के इन कार्मिकों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा के लिए बैरक बनाने की कार्रवाई, हर एक पुलिस लाइन में 200 पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा, हर एक थाना और हर एक पुलिस में भी इनकी आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था के साथ साथ पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में भी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारे प्रदेश में 18 कमिश्नरी हैं, यानी 18 रेंज हैं, पुलिस के 18 रेंज में प्रत्येक रेंज में हमारी एक एक फॉरेंसिक लैब होगी और प्रत्येक रेंज में हमारे पास एक एक साइबर थाना होगा। इस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है और प्रदेश के अंदर सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का परिणाम हुआ कि प्रदेश के प्रसेप्शन में भारी परिवर्तन देखने को मिला और आज प्रदेश के अंदर निवेश की भारी संभावनाओं ने प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार, उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था और उनके आर्थिक स्वावलंबन और स्वरोजगार के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए। चाहे वह प्रदेश के अंदर निजी और सार्वजनिक निवेश के माध्यम से या फिर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना हो, या फिर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्ष के दौरान 33,00,000 से अधिक नौजवानों को रोजगार और नौकरियों के साथ जोड़ने का सीधे सीधे कार्य किया है। प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य करते हुए बेटियों के लिए, खासतौर पर महिला संबंधी अपराध को रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर आज कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से प्रत्येक बालिका को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ उनके प्रति घटित होने वाले अपराधों को रोकथाम करने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशली पास्को से संबंधित हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मित्रों, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, संचारी रोग नियंत्रण के क्षेत्र में भी एक बड़ा कार्य इसमें हुआ है। मैं खास तौर पर इस बारे में देख जानता रहा हूं, मैंने एक सांसद के रूप में लगभग 19-20 वर्षों तक गोरखपुर की सेवा की और गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र था जो संचारी रोग से यानी इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, जहां पर प्रतिवर्ष 1200 से 1500 मौतें इंसेफ्लाइटिस से अकेले एक ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज और अन्य आसपास के जनपदों में होती थी। और मुझे प्रसन्नता है कि स्वच्छ भारत मिशन और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज हम लोग इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम करने में 70 से 75% रोकथाम करने और मौत के आंकड़ों को 90 से 95% कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ जिस प्रकार की एक नई मुहिम पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, अवेयरनेस के कार्यक्रम, बचाव और उसके उपचार के जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार का अनुसरण करते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हर एक स्तर पर व्यापक जागरूकता के भी एक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसानों की आय को दुगना करने के लिए हम लोग जब आए थे उस समय 2010-11 से गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्ष के दौरान 92,00,000 यानी 92,442 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफलता प्राप्त की। पिछली सरकारों में 10 वर्षों के दौरान 29 चीनी मिलें बंद हुई, औने पौने दाम पर बेचने का कार्य हुआ। हमारी सरकार के समय चीनी मिलें एक भी बंद नहीं हुई। हम लोग जब आए थे तब 116 चीनी मिलें चल रही थी और आज 121 चीनी मिलों को हम संचालित कर रहे हैं। हमने नई चीनी मिलें भी बनाई, पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला, मोदिनपुर, मेरठ की क्षमता विस्तार को आगे बढ़ाया। और यही नहीं, हमने प्रदेश के अंदर पहली बार भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है कि सुगर की आवश्यकता नहीं है तो सुगर केन से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जैसे अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, हम गन्ना उत्पादन में भी अग्रणी है, चीनी बनाने में भी अग्रणी है और इथेनॉल बनाने में भी आज प्रदेश सरकार अग्रणी भूमिका के साथ आज आगे आई है। किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने में भी हमें इसके माध्यम से भारी सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, व्यापक परिवर्तन देखते हुए बना है।